हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रंजीता और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ वेजिटेबल उपमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, दो चम्मच तेल, आधी चम्मच राई, एक कटा हुआ गाजर, दो चम्मच मूँगफली के दाने, 7 से 8 काजू, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, 2 डंडल करी पत्ता, 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, फिर इसके बाद डालेंगे 1 कप सूजी, फिर इसको लगभग 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हमें सूजी को इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते जाना है। अब 2 मिनट हो चुका है, हम इसे किसी बाउल पर निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे काजू। काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसी तेल में डालेंगे मूंगफली, मूंगफली को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारा काजू और मूंगफली दोनों भूनकर रेडी है। अब इसी तेल में डालेंगे आधी चम्मच मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को चटकने देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 कटी हुई प्याज। प्याज को हल्की गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज गुलाबी हो चुका है, इसमें डालेंगे करी के पत्ते और करी के पत्तों को भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें कटी हुई गाजर। गाजर को हमें अच्छे से भून लेना है जिससे इसका कच्चापन चला जाए। और अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। अब सब्जी को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर डाल के हम इसे भून लेंगे। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। अब नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हम पानी डालेंगे। अब बॉईल करने के लिए गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब इसमें बॉईल आ चुके हैं। हमें सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर उबाल कर पकाना है। अब इसमें डालेंगे भुनी हुई सूजी। सूजी डालकर हमें इसे कलछी की सहायता से अच्छे से मिला लेना है। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक सूजी अच्छी तरह से मिल नहीं जाती। सूजी फूलने लगी है और पानी सोखने लगी है। सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे देसी का घी। देसी घी डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और गार्निश करके गर्मा गर्म परोसेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।